दाढ़ी और मूंछों को उगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप भी ये सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं यार जिससे कि मेरी दाढ़ी मूंछ आ जाए, काली घनी मोटी दाढ़ी आ जाए, मैं भी बियर्ड लुक रखूं, मैं भी दाढ़ी वाला लुक रख के घूमूं, हैंडसम दिखूं, क्यूट दिखूं, मर्द दिखूं, अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिंपल ट्रीटमेंट बताने वाला हूं जिससे कि आप आपकी फुल बियर्ड ग्रोथ कर सकते हैं। आपको क्या क्या प्रोडक्ट लगाना चाहिए बियर्ड पर जिससे कि आपकी बियर्ड हेल्दी भी रहती है और आपकी बियर्ड तेजी से ग्रोथ भी करती है। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आप में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बियर्ड ग्रोथ करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट जरूर करते हैं, लेकिन टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते कि कौन से टाइम क्या ट्रीटमेंट यूज करना चाहिए जैसे कि आपकी दाढ़ी ग्रोथ हो, दाढ़ी के बाल उगने लग जाए, दाढ़ी मूछ आ जाए। तो इसी वीडियो में आपको सिंपल ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए आपकी बियर्ड पर जिससे कि आपकी बियर्ड तेजी से ग्रो हो, आपकी दाढ़ी के बाल आ जाए और काले घने मोटे आ जाए। तो बियर्ड की कोई भी इंसान प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, बियर्ड की प्रॉब्लम्स उनको है, तो वो उसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बियर्ड फेस वॉश, बियर्ड शैम्पू, बियर्ड सॉप, यानी आपको क्या लगाना चाहिए बियर्ड पर। देखो, इसके लिए बियर्ड के शैम्पू सॉप अलग आते हैं। अगर आप बियर्ड का शैम्पू यूज़ करोगे आपकी बियर्ड पर तो वो बियर्ड के बालों पर ही इफेक्ट करेगा, यानी आपके दाढ़ी के बालों की जड़ों तक पहुंचेगा। जो आपकी बियर्ड की प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स वो आपको जड़ से ख़त्म करेगा, जैसे कि आपके बाल ग्रोथ नहीं हो रहा है या आपके बाल मोटे नहीं हो रहे हैं। तो शैम्पू एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बियर्ड के लिए ही बना होता है, जो कि बियर्ड पर वर्क करता है। तो आपको एवरी डे नहाते टाइम या फिर सोते टाइम आपकी बियर्ड को आपको शैम्पू जरूर करना चाहिए, शैम्पू देना चाहिए जिससे कि आपकी बियर्ड हेल्दी रहे और आपके बियर्ड में जो भी डस्ट है, जो भी आप धूल मिट्टी वगैरह जो गंदगी प्रदूषण जो लग जाता है उसको आप निकाल के जरूर सोएं या फिर आप निकाल के जरूर घूमें। तो आप पहले तो एक अच्छा सा शैम्पू लेके आए। बियर्ड ग्रोथ के लिए भी बहुत सारे शैम्पू आते हैं, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं सर कौन सा शैम्पू है, मैं आपको कमेंट में नाम बताऊंगा, इसमें मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। तो सबसे पहला होता है बियर्ड शैम्पू जो कि बियर्ड के लिए अप्लाई किया जाता है। सेकेंड जो होता है, अगर आपने नाइट में आप बियर्ड पर कोई ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो नाइट में आपको बियर्ड ऑयल का यूज़ करना चाहिए। बियर्ड ऑयल्स आपके बियर्ड के हेयर्स को विटामिन प्रोटीन देने के लिए और आपकी बियर्ड की जड़ों में पहुंचने के लिए, आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, आपका जो फेस का ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बढ़ाने के लिए बियर्ड ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इसको ओनली नाइट में यूज़ आपको करना है, डे में कोई सा भी बियर्ड ऑयल्स का आपको यूज़ नहीं करना, नहीं तो सनलाइट से आपके फेस की स्किन रेड हो जाएगी, आप पर साइड इफेक्ट हो जाएंगे। तो जो कोई भी बियर्ड ग्रोथ करना चाहता है वो बियर्ड ऑयल्स एक जरूर यूज़ करें, कोई सा भी बियर्ड ऑयल हो सकता है, आप अच्छी कंपनी का लें। मैंने जैसे कि आपको बताया, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कौन सा बियर्ड ऑयल सही होता है, क्योंकि मैं इस वीडियो में किसी भी प्रोडक्ट का नाम शेयर नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि सिंपल ट्रीटमेंट्स क्या होता है बियर्ड ग्रोथ के लिए। तो आपको एवरीडे आपकी बियर्ड पर बियर्ड ऑयल जरूर लगाना चाहिए जिससे कि आपकी बियर्ड के हेयर्स ग्रोथ हो और आपकी बियर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब ये तो है नाइट के प्रोडक्ट, अब आप मैं आपको डे के प्रोडक्ट बताता हूँ कि डे में तो आप बियर्ड ऑयल्स यूज़ नहीं कर सकते आपकी बियर्ड पर। तो आपको बियर्ड ग्रोथ सीरम यूज़ करना है। सीरम बहुत सारी कंपनियों के आपके मिल जाते हैं, लेकिन 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 आपको कंपनी मैं बताऊंगा, नाम आपको मैं बताऊंगा, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिर आप दिन में शैम्पू लगाएं, पहले आपकी दाढ़ी को शैम्पू से वॉश करें, इसके बाद जब आप घर से बाहर कहीं पर भी जा रहे हो तो ये सीरम आपके फेस के लिए, आपके बियर्ड के दोनों के लिए ही होता है। इससे आपकी बियर्ड भी ग्रोथ होती है और आपका फेस भी ग्लो करता है। तो आप जो भी क्रीम्स लगाते हो आपके फेस पर, फेयर एंड लवली है, फेयर एंड हैंडसम है, अदरवाइज जो भी कोई सी भी कुटरमनी कोई सी भी क्रीम है ए टू जेड, वो क्रीम आप ना लगाएं, आप बियर्ड ग्रोथ सीरम यूज़ करें, आपका फेस भी अच्छा दिखेगा और आपकी बियर्ड की ग्रोथ भी होगी। यानी कहीं ना कहीं आप सारा टाइम मैनेज करके जब आप चलोगे कि आप नाइट में भी ट्रीटमेंट्स करो, आप डे में भी ट्रीटमेंट्स करो, तो आपकी बियर्ड की ग्रोथ तेज हो जाएगी। जो आप एक ही ट्रीटमेंट करते हो वो आप दो ट्रीटमेंट कर रहे हो, तीन ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो आपकी बियर्ड 3% ज़्यादा ग्रोथ होगी। यानी जो बियर्ड आपके एक साल में आनी होगी वो 3 से 4 महीने में आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो ऐसा लोग करते हैं, लोग जैसे कि मैंने अगर वीडियो बनाया, बाकी आप सभी लोगों के वीडियोस देखते हो, आप भी फॉलो करते होंगे कि बियर्ड ऑयल्स का यूज़ करना जरूरी होता है। ठीक है, बियर्ड ऑयल, लेकिन वो नाइट में जरूर होता है। आप डे में क्या यूज़ करते हो? आपको डे में कोई सा ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आप कंपलसरी लगाएं, कंटिन्यू आपको यूज़ करना चाहिए फेस पर जिससे कि आपकी बियर्ड भी ग्रोथ होगी। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि आपका टाइमिंग है वो नाइट का है, डे में आप कोई सा मॉइस्चराइजर क्रीम लगाते हो माना, लेकिन वो बियर्ड ग्रोथ नहीं करती है, तो वो डे का टाइम है ना वो आपका फालतू जा रहा है। अगर आप डे का टाइम भी आप मैनेज करोगे, डे के टाइम में भी आप ट्रीटमेंट्स करोगे, तो वो आपके लिए बहुत बेटर होते हैं और ये सबसे अच्छे ट्रीटमेंट्स माने जाते हैं। जो मैंने आपको तीन ट्रीटमेंट बताए हैं, सबसे पहला है बियर्ड शैम्पू, नेक्स्ट है बियर्ड ऑयल और थर्ड है बियर्ड सीरम। इन तीनों का यूज़ करें, आपकी बियर्ड 100% ग्रोथ हो जाएगी। जो भी मुझे फॉलो करते हैं बिलीव करें,
और आप आपकी बियर्ड एंड मूछ ग्रोथ कर सकते हैं। तो जो आपने थंबनेल में पढ़ा है कि दाढ़ी उगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दाढ़ी उगाने के लिए ये करना पड़ेगा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और इस वीडियो से आप आपकी बियर्ड भी ग्रोथ कर सकते हैं, काली घनी मोटी अट्रैक्टिव आप भी बियर्ड लुक लेके आ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन।